जनता स्वर्जन सनातन पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है और किस तरह से जनता के बीच में आप लोग इस पर आ रहे हैं? हरिओम नारायण। जिस तरह से पार्टी का नाम है हमारा सर्वजन सनातन पार्टी जी, इससे ज्ञात होता है कि सभी जनों जो सनातनी हमारे हैं सबके लिए पार्टी बनी है और ये पार्टी जो है जातिवाद, पंथवाद, मजहबवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद इन सबसे ऊपर उठ करके सभी सनातनवाद पर काम कर रही है और सभी सनातनियों को एक साथ लेकर चलने का कार्य। हमारा उद्देश्य ये है, हमारा लक्ष्य ये है कि सभी सनातनियों को जो बाकी राजनीतिक पार्टी बांटने का काम कर रही है क्षेत्र और पंथ और मजहब और जाति के आधार पर, अगला पिछड़ा कह करके, ब्राह्मण और वैश्य शूद्र कह करके, क्षत्रिय कह करके, उन सब सनातनी को साथ लेकर के और सबके लिए एक जैसा कानून हो और एक जैसी शिक्षा हो, एक जैसी चिकित्सा हो, इस चीज को लेकर के हमारी पार्टी चल रही है। मजबूत करना, हर जिला में जिला अध्यक्ष बनाना, जिला उपाध्यक्ष बनाना, ब्लॉक लेवल तक काम करना, पंचायत तक काम करना, बूथ तक काम करके जमीनी स्तर तक लोगों को जोड़ना और सनातन के बारे में सबको बताना। सर बताया जाए, सर किस तरह से कोई अगर आदमी मान लिया कि बिहार में आपके पार्टी से जुड़ना चाहता है, कोई एक ऐसा नंबर बताएं जिससे संपर्क किया जा सके या डायल कर करके आपके पार्टी में ज्वाइन किया जा सके? हमारे पार्टी का एक अपना खुद का एक ऐप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है, इंस्टाग्राम पे सब कुछ चला हुआ है, जितने भी लोग हैं सबको व्हाट्सएप का लिंक भेजा जा रहा है और बहुत तेजी से उस व्हाट्सएप ग्रुप पे लोग जुड़ रहे हैं। क्या नाम हुआ सर इस पार्टी में, कौन से पद पे आप हैं? मेरा नाम कुंदन कुमार राणा, बिहार प्रदेश संयोजक। बड़ी बड़ी पार्टियां यहाँ पे हैं बिहार में और समझिए कि चुनाव को लेकर के आपकी पार्टी कितने प्रत्याशी को आप लोग उतारने जा रहे हैं? बहुत सारी प्रत्याशी चुनाव की पार्टी तो है बिहार में, सब लोग अपने अपने तरह से काम कर रहा है। अभी चूंकि हमारा जो पहला लक्ष्य है कि बिहार के सारे 38 जिले में जिला अध्यक्ष बनाना है और इस पर बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं। अभी हमारा नालंदा में, मोतिहारी में, बक्सर में, रोहतास में, आरा में, इन सब जगहों पे हमारी संगठन काफी तेजी से काम कर रही है और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम हम 20 से 25 प्रत्याशी 2025 विधानसभा में सर्वजन सनातन पार्टी से उतारेंगे। बिहार में दिवाली और छठ को लेकर के बिहार वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पंडित दयाशंकर मिश्रा, सनातनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सर्वजन सनातन पार्टी, मैं बिहार वासियों का को क्या पूरे देशवासियों को मैं दीपावली, गोवर्धन पूजा, छठ पूजा की पार्टी की तरफ से, सर्वजन सनातन पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के लिए भी मैं सभी सनातनियों का आह्वान और निवेदन करता हूं कि आप सभी सनातनवादी जो है, सनातन धर्मावलंबी जो है, हमारे पार्टी सर्वजन सनातन पार्टी के साथ जुड़ करके और सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता की रक्षा के लिए आगे आए। फिर एक बार मैं पुनः सभी देशवासियों को, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के वासियों को, यहाँ से मैं न्यूज के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि छठ, दीपावली, गोवर्धन पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बिहार में हर्षोल्लास के साथ दिवाली और छठ मनाई जाती है, क्या कुछ कहेंगे बिहार वासियों को, क्या संदेश देंगे? और जैसा आपको पता है कि छठ पर बिहार का एक बहुत ही महान पर्व है और इस बार सर्वजन सनातन पार्टी भी अपने स्तर से बहुत सारे छठ वासियों को जो लोग छठ दे रहा है, जगह जगह पे स्टॉल्स लगा के हम लोग खुद सामने आएंगे और उनको बहुत सारा प्रसाद का वितरण भी करने वाले हैं। तो मेरे तरफ से पूरे बिहार वासियों को, पूरे बिहार प्रदेश वासियों को छठ, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।